ओके, इसके ऊपर से चलने वाला हूँ। वाओ, ये आगे चल के एक खूबसूरत झरना बन जाएगा। अल्टीमेट में जा रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडू ट्रिप का तीसरा दिन, तो तैयारी पूरी हो चुकी है, बस यहाँ से निकलने वाले हैं। वैसे तो हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए मंडू के, लेकिन फिर भी दो से तीन पॉइंट और रह गए हैं, तो उन्हें कवर करेंगे एंड इसके बाद निकलेंगे हम महेश्वर की तरफ। तो कल रात में हमने होटल चेंज कर दिया था, एक बार इस होटल का व्यू दिखा देते हैं आपको। ये था हमारा रूम, ये था बेड, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, और लेकिन यहाँ का व्यू सही था यार। एक बार व्यू देखो पीछे, और अभी पीछे जहाँ हमें जाना है पहाड़ों पे, वहाँ पे बादल दिख रहे हैं दूर से, तो यार काफ़ी ऑसम व्यू होने वाला है। ये बात 10, 20, 40, 100, 1000, 10000, 5 लाख, गजब, रुक जावे 430 करोड़ हो गया। ये बात 2 hours later क्या। तो यार सब कुछ रेडी हो चुका है, फटाफट निकलते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं यार कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि होटल्स में हमेशा होता है यार, हम कुछ ना कुछ छोड़ के आ जाते हैं। तो ये है यार बाहर का नज़ारा, आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये था हमारा रूम, और यार पीछे का जो मौसम है ना यार, वो पूरा ऑसम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो एक पहाड़ है, और वो पूरे के पूरे बादल से ढके हुए हैं, और हमें जाना वहीं पे अभी। तो आज का व्लॉग होने वाला है ख़तरनाक इंटरेस्टिंग, तो यार बने रहो, पूरा वॉच करो, निकलते हैं। यार बाइक की भी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। कितने किलोमीटर चल गई है? 408 किलोमीटर, अभी तक 408 किलोमीटर चल चुकी है। इस वक्त हूँ मैं बादलों के बीच, और मैं उत्तराखंड में नहीं, मैं एमपी में हूँ। तो यार हमारा मकसद है एमपी की ब्यूटी दिखाना, और बस आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे भी घूमने की काफ़ी सारी जगह है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर मत जाइए, लेकिन बाहर जाने से पहले कम से कम एक बार अपना एमपी ज़रूर विजिट कीजिए। एक बार पीछे देखो यार, ये है पूरे बादल, ये है वो रोड जहाँ से हम आए, और देखो पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो विजिबिलिटी हो गई है एकदम जीरो, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सामने मेरे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बार मैं आपको वहाँ का सीन दिखाता हूँ। एक मिनट, देखो ये सीन,
दिख रहा है कुछ? कहाँ से आसमान स्टार्ट हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। अभी हम हैं सनसेट पॉइंट पे और यहाँ पे हम लोग कल भी आए थे, तो कल का जो सीन है एक बार वो देखो। चारों तरफ पहाड़ और अभी इस वक्त पूरे बादल गिरे हुए हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। Awesome, भाई ये तो बहुत ही गजब जगह है यार। बैठ गए तो गिर जाएंगे, लग जाएगा, ठीक है? अच्छा। स्टार्टिंग में रन करना ही है। अब देखना मेरे सामने। यस यस या। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। बस आ, आ, बहुत ऊपर है। दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं मांडू के एक और खूबसूरत पॉइंट पे जिसका नाम है लोहानी गेट। और ये जो पानी देख रहे हो आप, ये आगे चल के एक खूबसूरत झरने में कन्वर्ट हो जाएगा। वाव क्या नज़ारे हैं यार, ये पानी बह रहा है आराम से आराम से, बहुत स्लिपरी है, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा इस पर। यहाँ पे पानी बह रहा है और सामने बादल है, खूबसूरत नज़ारे यार, खूबसूरत नज़ारे। तो नेचर लवर्स, अगर आपको इस जगह के बारे में नहीं पता है तो यार बिल्कुल यहाँ पे विज़िट करो, स्पेशली अगर आप बारिश के टाइम पे आते हो तो इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। क्या है? केकड़ा। इस तरह की चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ना यार बारिश है। आराम से भाई, आराम से आराम से मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, जहाँ पे पानी ना हो वहीं पे चले। तो मिट्टी लग गई यार इसमें पूरी। जो अपने को पानी ना हो ना जहाँ पे, वहाँ पे चलना है अपने को, ठीक है? ये देखो सलमान खान बन चुका है अपना भाई। तो छोटा सा बहुत संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आराम से चलना, ठीक है? मैं ये वाले रास्ते से जाने वाला। ये जो गुफा का रास्ता है ये थोड़ा सा डेंजरस तो है, थोड़ी सी ट्रैकिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। ओके इसके ऊपर से चलने वाला हूँ। ये आगे चल के एक खूबसूरत झरना बन जाएगा, अल्टीमेट नज़ारे हैं यार। ये आवाज़ ही काफ़ी यार सुकून पहुंचाने के लिए। और अभी आप तो ये देख रहे हो, ये है एक गुफा, बहुत सारी है, देखो लाइन से बनी है, अच्छी लंबी बनी हुई है ना, और देखो इस साइड भी बनी है। ओके इस साइड भी है गुफा, इसका नाम है लोहानी गुफा ना। और ये पानी जा रहा है आगे, और ये रहा वो पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में कवर किया था।
अल्टीमेट नजारे यार। दोस्तों अभी तक जो आप नज़ारे देख रहे थे ये थे सनसेट पॉइंट एंड इसके आसपास के, इसी के पास में ये गुफा। तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है और चलते हैं किसी और पॉइंट पे। पीछे जो बादल थे वो भी अब काफ़ी कम हो चुके हैं। रेडी। दोस्तों सुबह सुबह बादलों के बीच खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं माहेश्वर की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पे। ये रोड अल्टीमेट है यार। यहाँ पे मेरे बगल में देखो एक नाला बह रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। तो कुछ देर यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और इसके बाद हम मिलेंगे सीधे माहेश्वर में नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको एमपी के खूबसूरत नज़ारे पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो यार। एमपी के भाई लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके यार प्लीज़ सपोर्ट करो। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।